नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश, इवेंटर के डायरेक्टर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहां पे जो है इवेंटर्स के द्वारा जो है जेई की तैयारी हो चाहे नीट की तैयारी हो, अगर आपको करनी है तो पहले हम सर से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहां पे तैयारियां करवाई जाती है, फिर ये तैयारी किस तरह से करवाई जाती है। एक्चुअली जेई एडवांस का रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गया है और कहा जाता है कि अगर कोई सफल होता है तो उसको वो सम्मान का हकदार है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो दूसरे बच्चे सम्मानित होते हैं उनको देखकर खुद प्रेरित भी होते हैं और उनको भी अपने आप में गर्व महसूस होता है, और यही कारण है कि इसी वजह से इन्वेंटर्स ने ये सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इसमें इन्वेंटर्स के अगर जेई और नीट में टोटल स्टूडेंट की संख्या अगर जोड़ लें जो IIT या NIT में एडमिशन पा रहे हैं तो लगभग 50 स्टूडेंट हैं। उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट हमारे सामने हैं। तो सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई और बाकी आपसे वो अनुभव अपना साझा। इस बार जेई के कितने बच्चे सफल हुए लगभग? मैंने बताया जेई और नीट दोनों को मिला के लगभग 50 स्टूडेंट। ठीक, हाँ, हमारे पास स्टूडेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोग बोलेंगे तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है कि कम बच्चों में 50 स्टूडेंट का सफल होना बहुत बड़ी बात होती है। तो बाकी बच्चे बताएंगे आपको कि वो उनका या मतलब उनकी जर्नी कैसे रही इन्वेंटर्स के साथ। कितने दिनों से इन्वेंटर्स ये क्लासेस चल रही है? इन्वेंटर्स की शुरुआत कोरोना टाइम में ही हुई है, 2020 में, 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर महीने के टर्म में बात करें तो लगभग 27 महीने का समय बीता है, यानी 2 साल अभी कम्प्लीट हुआ है, और 2 वर्षों में ही स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है इन्वेंटर्स। और हमारे यहाँ बस हम केवल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं और क्वालिटी की वजह से ही स्टूडेंट एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं और इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है क्या? अभी तो पूरी तरह से ऑफलाइन चलता है, ऐसे हमारा इन्वेंटर्स एडुकेयर ऐप है जो हाइब्रिड मोड में भी हम लोग क्लास करवाते हैं, लेकिन कई बार हाइब्रिड मोड में क्लास करवाने से कई बच्चे नॉन सीरियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास घर से कर लेंगे, तो हम लोग प्रमोट करते हैं ऑफलाइन क्लासेस को। ऑफलाइन जी, ऑनलाइन अभी ज़्यादातर नहीं चलता। हाँ, ऑनलाइन देते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग प्रमोट ज़्यादातर ऑफलाइन को करते हैं। और हमारे साथ बच्चे भी हैं कुछ बातचीत करने के लिए जो इस बार सफल हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है तैयारियाँ करवाई जाती है। इस बार आप किस चीज़ में सफल हुए? नीट मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया 8406। यहाँ तैयारियाँ किस तरह से करवाई जाती है? I was enrolled in online class, तो मैं ऑनलाइन क्लास करती थी। टीचर का बिहेव कैसा होता है ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हम जो है मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? मतलब टीचर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, आप जब डाउट्स पूछेंगे तो डाउट सॉल्व कर देते हैं, जब भी आपको कोई भी डाउट हो तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। टीचर का बिहेव कैसा रहता है, आप किस चीज़ में सफल हुए? सर, जे एडवांस में सर मेरा रैंक आया इस बार, और टीचर सर यहाँ पे बहुत पोलाइट है, बहुत सपोर्टिव है, खासकर सर प्रभाकर सर जो मेरे को हम बहुत हेल्प करते थे, और नीरज सर, सीबीके सर, बाकी सर टीचर सर बहुत हेल्प करते थे। टीचर का बिहेव किस तरह का होता है ताकि आपको लगे कि हम जो है ना कि जेई की तैयारी कर रहे हैं ना ही नीट की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा लगता है ना कि बच्चों प्रेशर रहता है कि नहीं इतनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे जो है इसको क्रैश कर सकते हैं, कैसे इसमें सफल हो सकते हैं? ऐसा कुछ टीचर का मतलब वो नहीं रहता है, टीचर लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी आपको प्रेशर लेने का ज़रूरी नहीं रहता, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जेई एडवांस दे रहे हैं, आपको लगेगा कि आप नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ, आपको अगर आप शुरुआत से एकदम रेगुलरली टाइम टू टाइम अगर आप एकदम टीचर लोग को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं वो लोग जो बता रहे हैं, तो आपको फिर उतना टेंशन नहीं होगा। बाकी मतलब एग्जाम के पहले हल्का फुल्का जो टेंशन रहता है वो तो होना ही है, वो तो सबको होगा, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठेंगे और आपसे क्वेश्चन बनेंगे और याद आएगा कि हाँ टीचर ने ये बताया था, तो आपको अंदर से बहुत खुशी होगी, और जब निकालेंगे तो आपको अपनी खुशी आएगी। यानी टीचर जो एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं, ताकि पूरे बिहेव है, और टीचर लोग बहुत सपोर्टिव है, क्लास में भी ऐसा नहीं लगता है, क्लास में वो मूड लाइट रख के पढ़ाते ताकि जो मतलब कम समझने वाले भी बच्चे वो भी आराम से समझ जाए। किस चीज़ में सफल हुए हैं आपके हाथों में जो है ये? जेई एडवांस में कितना रैंक आया है? 2173 मेरा जनरल रैंक है, और OBC NCL के अंदर। कितने प्रयासों में ये निकल पाया है? मेरा ये दूसरा प्रयास, सेकंड प्रयास में ही। मतलब यहाँ जो है क्वालिटी किस तरह की रहती है? ताकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और यहाँ के स्टडी मटेरियल्स भी मैंने रेगुलर सॉल्व किए तो वो भी बहुत सुप्रीम क्वालिटी के हैं, सभी 2 बार चेक ये है, अब सभी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सभी टीचर्स उनको क्लास में भी सॉल्व करवाते हैं ताकि अगर किसी को डाउट्स वगैरह आ रही है तो वो आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके।
क्या नाम हुआ आपका? अनीस कुमार। अनीस जी, आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा नाम रोहितास कुमार है और मैं नवारा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, किस चीज़ में क्वालिफाई किया है? इंजीनियरिंग में, और जेई मेंस एंड एडवांस मैंने क्वालिफाई किया है। तो इस बार कौन सा ब्रांच मिल रहा है? IIT बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग। IIT बॉम्बे मिल रहा है। इतनी अच्छी तैयारी करवाई गई और आपने तैयारी की जो मेहनत की और फिर रिजल्ट सामने है। अच्छा, मैंने 2 साल बहुत मेहनत की थी और मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था, और टीचर्स लोग ने तो बहुत मेहनत की है मेरे पीछे, क्योंकि मैं बहुत बदमाशी भी करता था और पढ़ता भी था, इसलिए टीचर्स लोग का कंट्रोल मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है, इसी कारण रिजल्ट आया है। और मम्मी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है मेरे, और पापा लोग तो हमेशा मोटिवेट करते ही रहते थे, मम्मी भी मोटिवेट करते रहते थे, और टेस्ट देने का मम्मी पापा मोटिवेट करते रहते थे। टीचर कैसे गाइड करते थे आपको? टीचर लोग का तो गाइडेंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका जो कंटेंट डिलीवर करने का तरीका है वो सही होना चाहिए, तभी आप रिजल्ट ला सकते हैं। और यहाँ के टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। टोटल मार्क्स कितने इस बार आए थे आपको? मार्क्स का तो इसमें मार्क्स जेई मेंस में 231 आउट ऑफ 300 था, और एडवांस कितने प्रयासों में सफल हो? सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट, हाँ। तो सेकेंड अटेम्प्ट पे ही सफल? हाँ हाँ, फर्स्ट में मैंने एडवांस क्वालीफाई नहीं किया था, मेंस क्वालीफाइड थे, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जेई मेंस 99.74 परसेंटाइल एंड एडवांस मैंने कैटेगरी में 1439 रैंक हासिल। इवेंटर्स के द्वारा जो है तैयारी करवाई जाती है, इसमें कुछ बच्चे सफल भी हुए थे, उनके द्वारा जो कहना था कि लगातार जो है सर जो है एकदम सपोर्टिव रहते हैं, फ्रेंडली बिहेव रहता है, और लगातार जो है गार्जियन यानी माँ बाप का भी जो है हमेशा मोटिव करते रहते हैं, ताकि किसी भी तरह का वो जो प्रेशर नहीं लेने की, इतनी बड़ी एग्ज़ाम है ऐसा लगे ही नहीं कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। टीचर हमेशा जो है सपोर्ट करते रहते हैं, एकदम फ्रेंडली बिहेव रहता है। जिसमें कुछ बच्चे सफल हुए हैं, उस बच्चे से बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो है एकदम नॉर्मल लगता ही नहीं है कि हम जो है इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ तो अभी तक के लिए इतना ही, लगातार खबर हम बनाए रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।